हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचा पाऊं। आज के दिन में अगर आप निफ्टी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी शानदार रही है, जहां एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक हल्की सी रिट्रेसमेंट रही और उसके बाद कंटिन्यूसली निफ्टी 50 ने 1% के आसपास के उछाल के साथ 18,500 पॉइंट्स के आसपास जाकर अपनी क्लोजिंग दिया। 178 पॉइंट्स की बड़ी बढ़त रही है आज के दिन में, और यहाँ पे 18,432 का जो लेवल था निफ्टी के लिए, वह काफ़ी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल था। और आज के दिन में अगर देखें तो उसको जो है ब्रेक करके मार्केट जो है अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ हमें ऊपरी स्तर पर आज के दिन में जाते हुए देखने को मिली और अच्छी बढ़त रही है, और इसी की वजह से मोस्टली शेयर्स के अंदर आज के दिन में अच्छा उछाल भी देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, जिसके अंदर 50 रुपये की बढ़त रही, 6,891 रुपये पे जाके स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम रहा, लास्ट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जब IPO जो है अक्टूबर में हमें आता हुआ देखने को मिलेगा फाइनेंस सेक्टर में ही, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस को थोड़ा सा एक यहाँ पे कंपटीशन जरूर मिल सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एक अच्छा पुशबैक देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस को, क्योंकि मार्केट में अगर आप बजाज फाइनेंस की प्रेजेंस को देखेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और उसको फाइनेंस बिजनेस के अंदर अच्छी खासी पकड़ भी है। तो ऐसे में जहाँ बजाज फाइनेंस 20 साल के आसपास का समय बिता चुका है स्टॉक मार्केट के अंदर, वहाँ एक रिलायंस ग्रुप का नाम होने से कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क पड़ेगा नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब IPO यहाँ पे हमें लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 5 दिन की बात करें तो 1% की तेजी है, 1 महीने के अंदर 11% का उछाल, 6 महीने में 1.68%। 5 साल का डाटा देखेंगे आप बजाज फाइनेंस का, तो ऑलमोस्ट जहाँ कोविड के टाइम पे करेक्शन थी उस टाइम पे भी स्टॉक 5,000 के लेवल पर था, और उसमें टाइम जो है अगर 50% की करेक्शन हुई और उसके बाद से रिकवरी भी दिखाई, लेकिन 5 साल का जो डाटा है 231% के आसपास तक का बजाज फाइनेंस का देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे तो देखिए, इस कंपनी को लिस्ट हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है, 2002 के अंदर स्टॉक का प्राइस 5.75 रुपये था, और आज वही स्टॉक जो है 746% के रिटर्न्स जो है ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को बनाकर दे भी चुका है। कंपनी काफ़ी कमाल की है। अपडेट की अगर बात करें तो देखिए, रिलीफ टू बजाज फाइनेंस, इंटरेस्ट इनकम ऑन NPAs कैन नॉट बी टैक्स्ड ऑन एक्रुअल बेसिस, रूल्स ITAT। तो यानी कि बजाज फाइनेंस के लिए एक रिलीफ है यहाँ पे कि इंटरेस्ट इनकम जो थी NPA के ऊपर वो यहाँ पे टैक्स की फॉर्म में हमें नहीं देखने को मिलेगी एक्रुअल बेसिस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं राहत जो है आज के दिन में हमें बजाज फाइनेंस के ऊपर, जो एक NPA स्कीम है उसके अंदर नेशनल पेंशन जो होती है उसके ऊपर जो है एक अच्छा खासा रिलीफ जो है बजाज फाइनेंस के देखने को मिल रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3,000 से 4,000 तक का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसपे मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूं, और इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप डेली का 3,000 से 4,000 तक का प्रॉफिट इजीली कमा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। परफॉर्मेंस चेक करनी है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं आज की डेमो कॉल्स की, और साथ में आप लोगों को यहाँ पे लर्निंग का भी मौका मिलेगा, क्योंकि डेली मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ और साथ ही साथ में बेसिक्स जो है ट्रेडिंग के वो भी अपलोड करता हूँ चैनल पे, साथ में आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हूँ, तो एक लर्निंग का कंप्लीट मौका आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आज का अगर वॉल्यूम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास का वॉल्यूम जो है बजाज फाइनेंस के अंदर आज के दिन में देखने को मिला, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम मैं कह सकता हूं। और यहां पे देखिए, स्टॉक जो एक अच्छी खासी रिकवरी मोड में यहां पे हमें देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पुशबैक तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ यहां पे जो रिकवरी दिखाई है वो लगातार यहां पे इंक्रीज होती देखने को मिली, और इस लेवल को यहां पे ब्रेक करा और स्टॉक ऑलमोस्ट 7,000 की रेंज में हमें दोबारा से जाता हुआ देखने को मिल चुका है। वहीं अगर बात करें कि वॉल्यूम कितना कुछ आ रहा है स्टॉक के अंदर उसको देखें, तो वॉल्यूम 7 लाख 6 लाख 6 लाख ऑलमोस्ट 11 लाख के आसपास का है एक मंथ का एवरेज देखें तो, और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है स्टॉक की। और यहां पे अगर टारगेट्स की बात करें तो देखिए, KR चौकसे की तरफ से 7635 के टारगेट्स हैं, 7500 के शेर खान की तरफ से, 7250 के ISI डायरेक्ट और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 7080 के, तो 7000 रुपये से ऊपर के ही टारगेट हमें जो है बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग देखने को मिल रहे हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो 92% जो है बाय की तरफ इशारा कर रही है, और 8% ही ओनली जो है सेल की तरफ इशारा जो है हमें बजाज फाइनेंस के अंदर कम्युनिटी करती हुई नजर आ रही है।
सेकंड बड़े अपडेट की अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस जो है अब यहाँ पे अपना जो डिविडेंड था उसको इंक्रीज कर दिया है 2 रुपीज 30। आज का ही अपडेट है मई 26 का, और आज के दिन में जो है डिविडेंड की जो अमाउंट थी वो यहाँ पे इंक्रीज करके पर इक्विटी शेयर 30 रुपीज जो है बजाज फाइनेंस की तरफ से कर दी गई है। तो बजाज फाइनेंस ने एक अच्छा फैसला लिया है, तो 2 पॉजिटिव न्यूज आज के दिन में बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग देखने को मिली है, और डिविडेंड यहाँ पे शेयर होल्डर्स को पर इक्विटी शेयर मिलने वाला है। बात अगर TCS की करूं मैं, तो TCS के अंदर आपको आज के दिन में जो है 1.16% की तेजी देखने को मिली, 3,331 रुपये पे 38 रुपये की बढ़त के साथ जो है स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज का जो IPO आएगा उससे एक अच्छा पुशबैक जो है हमें TCS को देखने को मिला, क्योंकि IT सेक्टर की कंपनीज का जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो US मार्केट से होता है, और US के अंदर आपको पता है इस टाइम इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी हुई है, और इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट जो है IT सेक्टर की वो काफ़ी डाउन भी रही है, और ऐसे में IT सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर गिरावट जरूरी है। लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी होने के बावजूद अगर आप देखें इस कंपनी का 5 साल का परफॉर्मेंस, तो सिर्फ 92% के ही रिटर्न्स जो है स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, तो कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज का जो IPO आएगा वो यहाँ पे एक अच्छा सेटबैक जो है TCS को हमें देता हुआ नजर आ सकता है। TCS के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे थे उसमें अब की बार 15,774 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13,845 करोड़ का देखने को मिला, तो एक अच्छी बढ़त देखने को मिली। प्रमोटर का स्टेक जो रहा अब की बार वो एज इट इज था, FII का स्टेक डिक्रीज हुआ है, म्यूचुअल फंड्स का स्टेक इंक्रीज, और पब्लिक का स्टेक क्वार्टर फोर के अंदर TCS के अंदर हमें थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। आज के दिन में देखिए बहुत सारे शेयर्स के अंदर अच्छा उछाल देखने को मिला, लेकिन JSW एनर्जी की अगर बात करें तो 256 रुपये पर जाके 2.70 रुपये की गिरावट के साथ आज के दिन में क्लोजिंग दी है। बात अगर 6 महीने के डाटा की करें तो 17.5% की गिरावट है, 5 साल का डाटा देखें तो 239% के रिटर्न्स हैं। यहाँ पे जाके स्टॉक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब हुई है, लेकिन कोविड के बाद से शॉर्ट टर्म रिकवरी देखें तो JSW एनर्जी की काफ़ी अच्छी रही भी है। मैक्सिमम रिटर्न्स को अगर आप ध्यान में देंगे तो 126% के ही रिटर्न्स जो है JSW एनर्जी के हमें देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 400 का हाई लगा के तो एक अच्छी खासी करेक्शन के बावजूद अभी इस लेवल पे यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर्स कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है आप JSW एनर्जी के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बात अगर हार्डियन इंडिया लिमिटेड की करूं तो आज के दिन में 2.5% की गिरावट रही है स्टॉक के अंदर, और मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे तो 350% के निकल कर आ रहे हैं। क्वार्टर फोर के नतीजों के साथ कंपनी ने बोनस प्लस स्प्लिट दोनों ही अनाउंस कर दिए हैं। बोनस का रेशियो 1:3 है, स्प्लिट इज टू 1:10 के रेशियो में अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो बोनस प्लस स्प्लिट दोनों ही आप लोगों को मिल जाएंगे।